अखिलेश ने डिंपल को उतारा मैदान में तो अपर्णा ने चुनाव की तैयारी कर दी शुरू। क्या मैनपुरी सीट पर बहु वर्सेस बहु देखने को मिलेगा? कौन देगा किसको टक्कर? अखिलेश ने चली चाल तो बीजेपी ने कर दी है तैयारी। कौन मारेगा बाजी? किसकी होगी मैनपुरी की सीट? गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ साथ इस वक्त यूपी के उपचुनाव भी चर्चा में है। यहाँ मैनपुरी के साथ साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चुनावी सरगर्मी के बीच मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आई। ये सीट यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई। अब यहाँ बहु बनाम बहु की चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। दरअसल मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया है। अब चर्चा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि उनका टिकट अभी पक्का नहीं हुआ, लेकिन उनके नाम पर चर्चा डिंपल के नाम के ऐलान से पहले से चल रही थी। हालांकि घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि अपर्णा भी तैयारियों में जुट गई हैं। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा और अन्य उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक 12 नवंबर यानी कल मुख्यमंत्री आवास पर होनी है। इससे पहले बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की थी, जिससे चर्चाएं तेज हो गई। बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। अपर्णा पहले सपा में ही थी। साल 2017 में उन्होंने लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब वो हार गई थी और बाद में अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई थी। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक 12 नवंबर को सीएम आवास पर होनी है। इस बैठक में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल होंगे। बैठक में उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। रामपुर में आजम खान और खतौली में विक्रम सैनी दोनों जगहों के विधायक आपराधिक मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए गए हैं, इसलिए यहाँ भी उपचुनाव होगा। यहाँ 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के साथ मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें यूपी की खतौली और रामपुर सीट के साथ साथ ओडिशा के पदमपुर, राजस्थान के सरदार शहर, बिहार के कुर्नी और छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। यूपी में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अब मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव का टिकट पक्का होने के बाद अब अपर्णा यादव ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि गाहे बगाहे ये बातें सामने आने लगी है कि बीजेपी मैनपुरी सीट से अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।